वतन की आवाज में आपका इस्तकबाल है, आइए देखते हैं चंद तफसील। हाँ देख रहा था राजेंद्र नगर लोकल पुलिस और सीसीएस राजेंद्र नगर पुलिस का जॉइंट एफर्ट्स से एक बड़ा हाउस ब्रेकिंग गैंग को पकड़ा। वो लोगों चार लोगों थे, उनका नाम गुजप्रोग सुधाकर। अभी तक उन लगभग 60 केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 60 केसेस नंजियाला से लेके यहाँ तक हर एरिया में उन चोरी करता है। ये चोरी भी डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी, बोले तो इनका तरीका बदल के करता है। मास्क लगाता और मंकी कैप लगा के उनको बाल्ड हेड रहता है। बाल्ड हेड कवर करने के लिए हर ऑफेंस को जाने से पहले चारमीनार एरिया में नहीं तो नापल्ली एरिया में विक्स मिलता ना, वो विक्स लगा के कवर करते हुए ये ऑफेंसेस करते। हमारा ये राजेंद्र नगर में 4th के दिन एक केस रिपोर्ट हुई थी, लक्ष्मी नगर कॉलोनी में 60 तुलास गोल्ड चोरी हुई बोल के। ये केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो लोगों को अरेस्ट किया गया। ये लोगों चार लोगों है, ये गुंजप्रोग सुधाकर और ये भंडारी सैमसन बोल के काकुल वरण गढ़वाल का है, वो यही रहता है। और शनिदेव बोल के कोतूर रहता है, उन महाराष्ट्र का है। और एक अमरजीत सिंह बोल के पंजाब वाला। ये लोगों से उनको जेल में मुलाकात हुई, वो लोगों भी चोरी केसेस में ही अंदर थे। जब एक आदमी 2 केसेस में और एक आदमी 6 केसेस में उनके मुलाकात होके एक गैंग बना के करे थे। हमारा राजेंद्र नगर ऑफेंस करने के टाइम पे भी पुत्तूर से निकले वो लोगों डीसीएम में आके हमारा राजेंद्र नगर एरिया में आने के बाद 2 टू व्हीलर चोरी करे थे रात और रात, एक बजाज पल्सर और एक स्कूटी। ये स्कूटी 2 गाड़ियां चोरी करके वहां ये सीना ऑफेंस को जाके चोरी करके फिर वो गाड़ियां हमारा एरिया में ही मूसी के बाजू फेंक दे के भाग गए थे। आज ये लोगों को पकड़ा गया। अब ये कन्फेशन में अभी तक 5 केसेस बोले हैं, राजेंद्र नगर में 2 और पेट बशीराबाद 2 और रायदुर्ग में 1। अभी ये दिन कन्फेशन के बाद वो घर में जो मिला वो राजेंद्र नगर का प्रॉपर्टी मिला और लगभग 20 तुला दूसरा केसेस में मिलने का है। हम वो लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके वो भी बरामद करेंगे। इन सुधाकर ने ये बहुत केसेस में हुई है ना, इससे पहले भी अंदर गया था। ये कंटिन्यू केसेस है ना, अभी हम लोग उसका पासपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे और एक बार पीडीएफ डालने के वास्ते कोशिश करेंगे। और सीपी साहब भी ये राजेंद्र नगर क्राइम टीम को और लॉ एंड ऑर्डर टीम को कंग्रेचुलेट करे थे, अच्छा वर्क 15 दिन में वो लोगों को पकड़ के इंटैक्ट गोल्ड लेकर रिकवरी करके वो विक्टिम्स को दे रहे हैं। इसीलिए थैंक यू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।